देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। रामलीला समिति के जिला अध्यक्ष तथा यूथ और सेवा के सलाहकार प्रेम पंकज के नेतृत्व में अत्यंत जरूरतमंद लोगों के बीच कोरोना से बचाव हेतु होम केयर किट एवं दवाइयों का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने तेज धूप हो या लू या मूसलाधार बारिश में भी अपनी सेवा जारी रखे और इस अवसर पर प्रेम पंकज ने कहा कि गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए हमारी संस्था हमेशा आगे रहेगी। जो कोरोना मरीजों को और जो कोरोना से ठीक हो चुके हाल फिलहाल उनको जो दवा का किट दिया जा रहा है, आज नगर रामलीला समिति के संयुक्त तत्वाधान में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे छोटे भाई आनंद कुमार जी के द्वारा यूथ सेवा के माध्यम से अनेकों जगह पर कैंप लगाकर और जा के इनका सेवा लगातार चल रहा है और एक किट उसमें दिया जा रहा है जिस किट के अंदर ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, मास्क और अनेकों कोरोना संबंधित बुखार की दवा और अनेकों दवा उसमें उपलब्ध है। इस सेवा भाव में मुख्य रूप से ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनको ऐसे महंगी दवाई और ऑक्सीमीटर, खास करके ऑक्सीमीटर का कॉस्ट आज के दिनों में लगभग ब्लैक में 2,500 में मिलता था, लेकिन हम लोग को द्वारा मुफ्त देने से कम ऐसे लोग जो कि ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन उनको जानकारी चल जाएगा ताकि बेहतर इलाज वो करा सके और इसी उद्देश्य से घर घर जाकर हम अनेकों बैनर तले आज रामलीला समिति के द्वारा आयोजन पूर्व के दिनों में कैट के द्वारा आयोजन हुआ था और अनेकों स्कूल अनेकों मोहल्ले में जाकर इस कुल सेवा के सभी छोटे भाई